हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज यूट्यूबर एक्स। आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि 40,000 से 50,000 के बीच का अगर आपका कोई प्राइस सेगमेंट है जिस पर आप कोई आईफोन बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 स्मार्टफोन आते हैं। एक आता है आईफोन 8 प्लस, आईफोन XR, और यहाँ पर आपके लिए आईफोन X भी देखने को मिल जाता है ऑफलाइन स्टोर पर, मतलब 55,000 तक तो देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि 2020 के हिसाब से कौन से स्मार्टफोन को आपके लिए नेगलेक्ट करना चाहिए, स्किप करना चाहिए, और कौन से स्मार्टफोन के लिए आप आंख बंद करके जा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इन तीनों ही स्मार्टफोन में आपके लिए क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, किस तरह से आपके लिए कौन से स्मार्टफोन के लिए जाना चाहिए। देखिए गाइस, फर्स्टली यहाँ पर मैं कॉमन चीजें जो आपके लिए तीनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए तीनों ही स्मार्टफोन में 3GB की रैम मिलती है। अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं, 2600 mAh के अप्रोक्स आपके लिए 8 प्लस का देखने को मिलता है। आईफोन X का आपके लिए 2700 mAh के अप्रोक्स देखने को मिलता है, और आईफोन XR का आपके लिए 3000 mAh को अप्रोक्स देखने को मिलता है। तो अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं, तो आईफोन XR का जो बैटरी बैकअप है वो इन तीनों स्मार्टफोन में बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर चिपसेट की बात करते हैं, तो आईफोन 8 प्लस आपके लिए एप्पल का A11 बायोनिक चिपसेट मिलता है जो कि 10 नैनोमीटर पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन XR में आपके लिए एप्पल का A12 बायोनिक का चिपसेट मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। तो यहां पर अगर बात करते हैं प्रोसेसर के हिसाब से, तो आईफोन XR की जो परफॉर्मेंस है वो हायर लेवल की होने वाली है इन दोनों के कंपैरिजन में। बट यहां पर अगर प्राइस की बात करते हैं, तो आईफोन 8 प्लस आपके लिए 45,000 के अप्रोक्स में देखने को मिल जाता है सेल वगैरह पर। बट अगर वहीं बात करते हैं आईफोन XR की, तो ये आपके लिए 40,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाता है सेल पर। और वहीं अगर आईफोन X की बात करते हैं, तो 50,000 to 55,000 के अप्रोक्स आपके लिए ऑफलाइन स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। अभी ये कोई भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है अगर बात करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन की। बट अगर ऑफलाइन स्टोर पर बात करते हैं, तो यहां पर आपके लिए ये डिवाइस देखने को मिल सकता है 50,000 to 60,000 के अप्रोक्स में। बट यहां पर इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि आईफोन XR है वो इसको आराम से कम्पीट कर सकता है, इस वजह से यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि आप इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन चूज करें। तो सबसे पहले तो मैंने भी पहले आपको बताया था कि आप अपनी लिस्ट को प्रिपेयर करें। अगर आपके लिए टेलीफोटो लेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप आईफोन 8 प्लस या आईफोन X के लिए आराम से जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपके लिए नॉर्मल स्मार्टफोन चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो, बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा हो, मतलब कि एक ओवरऑल स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो वो आपके लिए आईफोन XR देखने को मिलता है जिसमें कैमरा क्वालिटी भी बेटर देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है इन स्मार्टफोन से। और इसके साथ साथ अगर डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पर आईफोन 8 प्लस में आप जो अभी ट्रेंडिंग डिजाइन चल रहा है नॉच वाला, वो आप वहां पर मिस करेंगे, तो इस वजह से आईफोन XR में आपके लिए वो भी देखने को मिलता है। बट अगर आईफोन X के एडवांटेज की बात करते हैं, तो वहां पर आपके लिए OLED पैनल देखने को मिलता है। और अगर ओवरऑल बात करें, तो आईफोन X है उसकी डिजाइन ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलती है इन दोनों ही स्मार्टफोन से। वहीं अगर आईफोन 8 प्लस की बात करते हैं, तो वो आपके लिए सबसे कम प्राइस में देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा डिवाइस है। बट अगर प्राइस के बारे में बात करें, तो मैं आपको ये कंसीडर करना चाहता हूं कि आईफोन XR बहुत ज्यादा अच्छा डिवाइस है। अगर आपके लिए एक नॉर्मल आईफोन चाहिए आज के टाइम पर, तो आप आराम से आईफोन XR के लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर आईफोन X बाय करते हो 55,000 या 60,000 के अप्रोक्स में, तो वहां पर वो ओवर प्राइस लगता है, और उस प्राइस के हिसाब से आईफोन XR की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं आईफोन 8 प्लस की, तो उसकी प्राइस भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी प्राइस 35,000 से 40,000 के अप्रोक्स होनी चाहिए। बट जब उसकी 40,000 to 45,000 के बीच में आती है, तो यहाँ पर वो ओवर प्राइस लगता है। और इस टाइम पर अगर आपके लिए 40,000 में आईफोन XR देखने को मिलता है, तो आईफोन 8 प्लस को मैं आपके लिए कंसिडर नहीं करूंगा। तो आपके लिए आईफोन 8 प्लस को बिल्कुल ही स्किप करना चाहिए। वहां पर आप दूसरी तरफ आईफोन X के लिए तो एक बार सोच सकते हैं, शायद से आपके लिए अगर सेकंड हैंड मार्केट में ट्राई करते हो, तो 30,000 to 35,000 के अप्रोक्स आपके लिए आईफोन X देखने को मिल जाए, जो कि आईफोन XR को आराम से बीट कर सकता है। बात करें तो आईफोन XR से बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले आपके लिए आईफोन X में देखने को मिलती है। टेलीफोटो लेंस के साथ जो पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं, वो आईफोन XR से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं प्रीमियमनेस की, तो वो आईफोन XR से अच्छी है। तो इस वजह से एक बार आप आईफोन X के बारे में तो सोच सकते हैं, बट मैं आपके लिए यहाँ ये रिकमेंड करता हूँ कि आप आराम से आईफोन 8 प्लस को तो स्किप कर दीजिए, उसको भूल जाइए, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपके लिए आईफोन XR में देखने को मिलेगी। ओवरऑल बात करता हूँ, तो आईफोन XR इज परफेक्ट डिवाइस, क्योंकि आपके लिए उसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, कैमरा क्वालिटी भी बेटर है, सेल्फी कैमरा भी बेटर है। यहाँ पर डिस्प्ले की बात करते हैं, तो LCD पैनल जरूर है, बट आपके लिए यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप कोई नॉर्मल क्वालिटी की डिस्प्ले को यूज में ले रहे हैं। उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, तो आप आराम से उसको यूज में ले सकते हैं, और आपके लिए ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिले।
देगा। इसके साथ साथ अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो तीनों ही स्मार्टफोन में आईफोन XR का बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा है और ओवरऑल डिवाइस जैसे आईफोन X में आप बैटरी बैकअप आईफोन XR जैसा मिस कर सकते हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस है आईफोन XR जैसी मिस कर सकते हैं, बट आईफोन XR की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, एक परफेक्ट डिवाइस आएगा जो कि आपके लिए आराम से 40,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके लिए कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जहां पर मैं एप्पल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।